नमस्कार दोस्तों, डीबी डायलॉग में आप सबका स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, उनके लंबे चौड़े प्रोग्राम हुए हैं कई थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में हुए हैं, उनके प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और सिलिकॉन वैली में उनके लेक्चर हुए हैं, मोहब्बत की दुकान के नाम से बे एरिया में एक लेक्चर हुआ। तो और अपने दौरे का जो अंतिम पड़ाव है उनका, वो अंतिम पड़ाव उनका एक पब्लिक मीटिंग में होगा, और वो पब्लिक मीटिंग हमारे डायस्पोरा के लोगों की होगी। और इन सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास अजीम शख्सियत हैं, जिनकी पढ़ाई यूएस में हुई है, और उनको स्क्रीन पे लाते हैं। नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते प्रशांत जी, धन्यवाद धन्यवाद बुलाने के लिए। तो संदीप पांडे जी का मैं एक परिचय छोटा सा करा दूं, क्योंकि तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय है। प्रोफेसर संदीप पांडे जो हैं, वो कई यूनिवर्सिटीज, आईएम, आईआईटीज में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, नालसर में लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर हैं, आईएम अहमदाबाद में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, आईआईटीज में कई विजिटिंग प्रोफेसर हैं, और आईआईटी बीएचयू से आप ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी हैं। और उसके बाद संदीप जी सामाजिक कार्य में आए और राजनीति में भी हैं, वो सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इस वक्त संदीप जी हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़े हुए हैं। और अमेरिका क्यों है संदीप जी, वो भी बता उनसे। वो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन के नियोते पर अमेरिका में हैं, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और पीस के पे कोई एक प्रोग्राम वहाँ हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में। तो संदीप जी, एक बार फिर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। बातचीत होगी संदीप जी, क्योंकि आप राहुल गांधी अमेरिका में हैं, और आप भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद कठुआ में, जम्मू में आप जुड़े थे उनके साथ जी। और एक लंबा आपने समाज और राजनीति को आपने देखा है, बहुत करीब से देखा है, लोगों के बीच में जाके काम किया है, और राजनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं। अभी जब अमेरिका में राहुल गांधी हैं और आप वहां पे, एक डिनर हुआ वॉशिंगटन में, उसमें तमाम डायस्पोरा के लोग थे, भारत के जो मूल, भारतीय मूल के लोग वहां पे, और उसमें आप भी थे। पहले तो बताएं कि जो आपका इम्प्रेशन अब तक राहुल गांधी के यात्रा पे और राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा पे, आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है उनकी पर्सनालिटी को लेकर, या उनका नैरेटिव जो वो बिल्ड कर रहे हैं, और अमेरिकन उनको कैसे वहां पे रिसीव कर रहे हैं, खासकर भारतीय मूल के लोग जी। देखिए प्रशांत भाई, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए। राहुल गांधी से मेरी ये तीसरी मुलाकात थी इधर अमेरिका में। पहली बार मैं मिला था जब अप्रत्याशित ढंग से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, हार गए और कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हुआ था चित्रकूट में जी, वहां पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और उसी समय मैं उनकी एक बात से प्रभावित था कि उनको उनकी जमीनी समझ उस समय भी बहुत परिपक्व थी। मतलब ये वो दौर था जब उनको, उसके बाद उनको पप्पू कहा जाने लगा था, लेकिन उसके पहले मेरी मुलाकात थी। और सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, जैसे वो हमसे ये जानना चाह रहे थे कि कांग्रेस का दलित आधार वापस कैसे आए। तो हमने कहा भाई, आपके कार्यकर्ताओं को वही करना पड़ेगा जो हम लोग करते हैं, गरीबों के लिए जो भी सुविधाएं सरकार से मिलती हैं वो आपको, उनको अगर वो दिलवाने का काम करें तो गरीब तो ज्यादातर दलित है, वो आपके साथ आ जाएगा, अगर उसको राशन मिलने लगेगा, अगर उसको जमीन के पट्टे मिल जाएंगे, अगर उसको वृद्धावस्था और विधवा पेंशन और इस तरह की चीजें मिलने लगेंगी। तो उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ देख रहे हैं 300 लोग आए हैं, अब 300 में 90% तो ब्राह्मणों के लड़के हैं,
तो आप ब्राह्मणों के लड़कों से उम्मीद करते हैं कि वो दलितों के लिए काम करेंगे? तो मैं आवाक रह गया कि ये जानते हुए कि ये सब नकारा लोग हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी वो उनका एक प्रशिक्षण करा रहे थे। मैं था, एनसी सक्सेना साहब थे, सुधा पाई जी थी और एक शर्मा जी थे कानपुर के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर। तो मुझे बहुत ये इस बात ने, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अमेठी के डीएम को कहता हूँ कि फला दलित के घर एक हैंडपंप लगवा दो मेरे एमपी कोटे से, और जब अगली बार जाता हूँ तो देखता हूँ वो हैंडपंप किसी ब्राह्मण या ठाकुर के आते में लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो जमीनी हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक बहुत बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते थे, तो इसलिए उनको दिक्कत आती है क्योंकि वो सीधे सरल आदमी है और सीधी बात कह देते हैं। तो बीजेपी वालों ने उनको पप्पू बना दिया, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें उनका उनका व्यक्तित्व बहुत निखर के आया है। कर्नाटक चुनाव के पहले मुझे लग रहा था कि उनकी पार्टी को कोई विशेष फायदा उसका नहीं मिला होगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि शायद पार्टी को भी कुछ फायदा मिला है। और यहाँ पे जो राहुल गांधी बातें कर रहे हैं अमेरिका में, अब तो वो और भी परिपक्व ढंग से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये कहने लगे हैं जो बात हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या बुद्धिजीवी कहते थे कि भाई दो धाराएं हैं भारत में राष्ट्रवाद की, एक एक है जो आज़ादी के आंदोलन से निकली, जो गांधी की दृष्टि से निकली, जिसमें समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्य उसमें समाहित हैं, और दूसरी जो राष्ट्रवाद की धारा आई है, अजीब बात है कि जिसने आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया लेकिन वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है, वो तानाशाही है, वो जुल्मी है, अत्याचार करती है, वो न सिर्फ अल्पसंख्यकों पे जो उनके निशाने पे रहते हैं बल्कि वो आदिवासियों, महिलाओं के साथ, देखिए महिला पहलवानों का क्या हाल कर दिया इन्होंने। जी जी बिल्कुल, ये बहुत जुल्मी विचारधारा है। और कुल मिला के राहुल गांधी यही बात कह रहे थे कि अमेरिका के हित में है कि वो एक लोकतांत्रिक भारत के साथ रिश्ता रखे, बल्कि वो यूं कह रहे थे कि अमेरिका ये तय करे कि उसे किस तरह के भारत के साथ रिश्ता रखना है, उसे एक तानाशाही जुल्मी भारत के साथ रिश्ता रखना है जहां नफरत फैलाई जा रही हो, या उसे एक लोकतांत्रिक भारत चाहिए, उसे वो भारत चाहिए जो गांधी की दृष्टि वाला भारत है। और इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। मोहब्बत को उन्होंने एक एक राजनीति के क्षेत्र में एक एक विषय के रूप में वो उन्होंने प्रवेश कराया है। वो कह रहे थे कि जब वो पहले लोगों से मिलते थे तो लोग उनसे सिर्फ इतना कहते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कहता था कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब लोग उनसे आई लव यू कहते हैं जब मिलते हैं। और उनको लग रहा है कि वो भारत का जो राजनीतिक जो जो पूरा परिदृश्य है, जो जो चर्चा है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें थोड़ी बहुत उनको सफलता निश्चित रूप से मिल रही है जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ दिखाई पड़ी। मतलब मुझे तो आशंका थी कि कहीं क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में अक्सर होता है कि कोई ना कोई विरोध का स्वर उठता है, लेकिन वाशिंगटन डीसी के कार्यक्रमों में मैंने देखा कि लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और उसको उसका समर्थन कर रहे थे, और उन्हें वो बातें अच्छी लग रही थी जो वो कर रहे थे, और उनके साथ लोग एक जुड़ाव भी महसूस कर रहे थे। और कल जो आखिरी कार्यक्रम हुआ यहाँ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के मुझे सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला, कल आखिरी कार्यक्रम में तो उनका जो जो व्यक्तित्व है उसका जो एक बहुत मानवीय पहलू है वो देखने को मिला, जब करीब 250-300 की भीड़ कैपिटल हिल पे, यानी कि अमेरिका की संसद के बगल में जो जो भवन है जहाँ पे उनके सांसदों के दफ्तर हैं, उसके एक हॉल में जब लोग उनसे मिलने आए थे, और जाहिर है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके साथ फोटो खिंचाएं, तो उनको जब ये लगा कि कहीं यहाँ
आपाधापी न मच जाए तो उन्होंने खुद यह ऐलान किया कि वो लोगों के बीच में जाएंगे और बारी बारी छोटे छोटे समूहों में लोग उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज की भारतीय राजनीति में कोई भी ऐसा नेता है, कुछ किसी भी दल का कोई बड़ा नेता, मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्तर का या पार्टी का अध्यक्ष, जो ये कहेगा कि नहीं मैं लोगों के बीच में आ जाता हूं और वहीं पे आप फोटो खिंचा लीजिए। तो ये उनका एक 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 पहलू है उनके व्यक्तित्व का जो बहुत आकर्षित करता है लोगों को और लोग सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं और कुल मिला के उनका दौरा बहुत सकारात्मक रहा। प्रोफेसर संदीप, मैं राजनीति और समाज और तमाम सारी बातों से आपको आपसे डिस्कस करनी है, लंबा चौड़ा एजेंडा है अगले आधे घंटे में आपके साथ, लेकिन अभी एक बात आपने कही और उस पर मैं जरूर चाहता हूँ कि आपका दृष्टिकोण क्या है कि आपने कहा कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, राजनीतिक नहीं हो सकते। तो ये जो एक कॉमन परसेप्शन है कि राजनीति का मतलब MLA खरीद लो, राजनीति का मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह, राजनीति का मतलब EVM में हेरफेर कर दो, राजनीति का मतलब कि पैसा और फार्म हाउस और रिसोर्ट की राजनीति, यानी तीन तिकड़म, मसल पावर, मनी पावर, कॉरपोरेट, मीडिया खरीद लो, ये राजनीति का मतलब हो गया। राजनीति का मतलब अब वो नहीं रह गया कि उसमें मानवता हो, उसमें लोकतंत्र हो। तो क्या मतलब इसको माना जाए कि ये प्रैक्टिकल राजनीति की परिभाषा जो है, जिसमें कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के वकालत करते हैं कि राहुल गांधी को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जी जी, तो नई पॉलिटिक्स राहुल गांधी ला रहे हैं और उसमें एक मतलब उसको आप कहें कि एक लकीर भी खिंच रही है, कर्नाटक के रिजल्ट हमारे सामने है। तो और जैसा रिसेप्शन भारत जोड़ो यात्रा आपको मिला, तो आपको लगता है कि जो राजनीति की एक ये सेट परिभाषा है और वो परिभाषा राजनीति की सामाजिक वर्चस्व वालों ने बनाई है ताकि उनका दुकान चलती रहे, उसमें मानवता ना आए, उसमें बराबरी की बात ना आए, लोकतंत्र ना आए। जी जी, तो आपको लगता है कि ये बदलेगी या ये ठीक है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं भी एक छोटी सी पार्टी से जुड़ा हूँ, सोशलिस्ट पार्टी, और हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिलते हैं, लेकिन हम लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय हमने जो खुले पशुओं का मुद्दा है, जो किसानों की फसल खा जा रहे हैं, हमने उसको उठाया है, और जिसको कोई पार्टी उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो कहीं हिंदुओं की भावना ना आहत हो जाए। तो हम लोग इस तरह का काम करते हैं और यही सोच के करते हैं कि भाई राजनीति साफ सुथरी रहे, कम पैसों में हो जाए, चुनाव लड़ा जा सके, लोगों के मुद्दे उठाए जाएं जो असली मुद्दे हैं, जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो राहुल गांधी वो कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वो उसको, और ख़ास करके कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने बीच में तो उन्होंने मंदिर वंदिर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने के घोषणा पत्र में था कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगेगा, और दिग्विजय सिंह ने ठीक ही कहा है, हालांकि उनकी कई बार आलोचना होती है कि ये तो गुंडों का समूह है, ये कोई धार्मिक लोग थोड़ी ना है, ये तो राम और हनुमान के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो मूल्यों की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत एक सकारात्मक एक संदेश वो दे रहे हैं। वो धीरे धीरे एक राजनीतिक के रूप में परिपक्व भी हो रहे हैं, ये मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने, हालांकि सोशलिस्ट पार्टी ये नहीं मानती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के साथ जो हमारा सैन्य समझौता है उसको और विस्तार देना होगा और दूसरी चीज़ों में भी हम अमेरिका के साथ मिलजुल के काम करना चाहेंगे और दोनों लोकतंत्रों के बीच में एक मजबूत संबंध होना चाहिए। चीन के ऊपर में उन्होंने बड़े आश्चर्यजनक ढंग से ये कहा कि
शायद हमारी पार्टी भी वही करती जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है चीन के साथ। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि नरेंद्र मोदी ये गलती कर रहे हैं जो वो झूठ बोल रहे हैं कि चीन ने भारत की भूमि पे कब्जा नहीं किया है इस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि इसका नुकसान ये होता है कि जब आप चीन के नौकरशाहों से या डिप्लोमेट से आप जब या नेताओं से आप कहिए कि आपने हमारी जमीन पे कब्जा क्यों किया है, तो वो कहते हैं कि भाई देखिए आपके तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने कोई जमीन कब्जा नहीं की है। तो उनका कहना था कि अगर हमारी पार्टी होती तो इस मुद्दे पर वो आवाज उठाती, वो ये कहती कि चीन हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है और ये गलत कर रहा है जो मोदी नहीं कर रहे हैं। वो लेकिन कुल मिला के उन्होंने कहा कि हमारी भूमिका वही रहेगी। और एक सवाल उनसे पूछा गया था कि अगर चीन ताइवान पे हमला करेगा या भारत पे हमला करेगा तो क्या उनकी अमेरिका से क्या अपेक्षा होगी, तो उन्होंने साफ साफ कहा नहीं, अमेरिका की तो मदद हमें चाहिए होगी। और रूस यूक्रेन के मामले पे भी उन्होंने साफ कहा हमारी पार्टी तो यूक्रेन के साथ खड़ी है क्योंकि यूक्रेन पे हमला हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का रूस के साथ एक संबंध रहा है, हमारी उन पे एक निर्भरता है और इसलिए हमें एक तटस्थ भूमिका ही लेनी पड़ेगी रूस यूक्रेन के युद्ध में। तो थोड़ा थोड़ा अब वो उस तरह की बातें करने लगे हैं जो एक एक नेता को करनी चाहिए उस स्तर पे, उस स्तर पे। हालांकि वो सैद्धांतिक रूप से एकदम सही नहीं कहा जा सकता, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप एक तरफ मोहब्बत की राजनीति की बात, राजनीति में मोहब्बत की बात करें और फिर आप एक अमेरिका के साथ सैन्य समझौते की भी बात करें। मतलब वो तो एक, मतलब ये तो प्रैक्टिकल राजनीति हो ही गई ना, कि आपको अगर भारत की सुरक्षा की चिंता करनी है तो आपको अमेरिका के साथ सैन्य समझौता करना ही पड़ेगा। तो देखिए वो तो एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी है और सत्ता में आने की राजनीति करते हैं वो। नहीं, हम इस तो बात सत्ता में आने की राजनीति में अमेरिका जैसे ग्लोबल पावर से स्ट्रेटेजिक अलायंस तो जरूरी है। जी जी, मैं उन समझता हूँ वो बातें क्यों कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ ही खड़े हुए। ये बात मैंने उनको कठुआ में कही, वो मेरी सोशलिस्ट पार्टी का बिल्ला जो मेरे कुर्ते पे लगा था उसको उठा के देख रहे थे, तो मैंने कहा देखिए मैं सोशलिस्ट पार्टी में हूँ, मैं कांग्रेस में नहीं आने वाला हूँ। हालांकि दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि मैं आऊँ, लेकिन हम आपके साथ वैचारिक एक संबंध बनाएंगे, आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि इस समय हमारी लड़ाई एक फासीवादी ताकत से है जो लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, जो नफरत के आधार पे, हिंसा के आधार पे राजनीति कर रही है शुरू से ही, की गांधी की हत्या से लेके पूरा इतिहास हिंसा से भरा पड़ा है आरएसएस और बीजेपी का। तो इस समय तो हम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में ही हैं, राहुल गांधी के साथ में हैं, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। संदीप, अभी एक बात आप कह रहे थे कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध और राहुल गांधी का दृष्टिकोण सामरिक मामलों पे, स्ट्रेटेजिक मामलों पे। जी, ये एक बात सच्चाई है, हम उसको माने ना माने, कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिम यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका यानी नेटो मुल्क, इनका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में पलड़ा भारी है। जी जी, और इस वक्त ये थ्रेटन है, इनका जो इनकी चिंता है वो चीन का बढ़ता हुआ रुतबा। जी जी, और उसको कंटेन करना इनके लिए चुनौती है। जी जी, आप देखिए क्वाड का भी जो एक बन रहा है सिक्योरिटी अम्ब्रेला एशिया पैसिफिक का, वो भी इसी के मद्देनजर बनाया जा रहा है। जी, आज राहुल गांधी ने दो तीन बड़ी रेखांकित करने वाली बातें की जो डिफरेंट है। एक, उन्होंने वो जो चीन का प्रोग्राम है वो वन बेल्ट वन रोड वाला, उस प्रोग्राम को उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेटिक प्रोग्राम नहीं है। ये एक पोजीशन ली है उन्होंने कि वो डेमोक्रेटिक प्रोग्राम नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो चीन का प्रोडक्शन है, अमेरिका और यूरोप ने अपने प्रोडक्शन बंद कर दिए, भारत इस मामले पे चीन की बराबरी कर सकता है प्रोडक्शन के मामले पे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन लोकतांत्रिक होगा। तो एक तरीके से उन्होंने आह्वान किया है पश्चिम का
कि आप भारत पे अपना दांव खेलो, हम चाइना को कंटेन करेंगे जहां आपको परेशानी हो रही है। जी जी जी। लेकिन हमारा सिस्टम लोकतांत्रिक होगा। तो मुझे लगता है कि क्या ये आपको लग रहा है कि ये कोई एक बड़ी क्लेवर उनका मूव है जो जो नरेंद्र मोदी ऑफर नहीं कर पाया अमेरिका को? हाँ हाँ नहीं, ये तो बात सही है, और वो ये तो बात खुल के कह रहे हैं कि भाई अमेरिका तय करे कि उसके हित में क्या है, उसके हित में कौन सा भारत है, एक लोकतांत्रिक भारत या एक अलोकतांत्रिक भारत। और निश्चित रूप से वो संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता है, हो सकता है, और पश्चिमी देशों के साथ भी। और अमेरिका की तो मजबूरी है इस समय। आपको बताएं कि यहाँ एक संस्था है जो जिसका नाम है US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो 4 साल से ये प्रस्ताव पारित कर रही है, और अमेरिका की संसद में भी ये कोशिश की गई लेकिन वहाँ पे वो पारित नहीं हो पाया कि भारत को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का दर्जा दिया जाए, यानी कि एक ऐसा देश जहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन वो अमेरिका करने को तैयार नहीं है, अमेरिका उस पर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए BBC के ऊपर जो छापा पड़ा उस पर भी यहाँ पे यही भूमिका ली गई कि नहीं, मतलब उस पर कुछ बोला ही नहीं गया और कहा गया कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अमेरिका की मजबूरी है कि उसे भी भारत का साथ चाहिए, और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जिसको कहते हैं कान में संगीत की तरह अमेरिका को सुनाई पड़ रहा होगा, वो अमेरिका से रिश्ता मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और चीन, ये तो बात सही है कि ताकतवर बना है, लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन ने जिस तरह से अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, इसलिए वो अब चुनौती बन रहा है जी। तो वो सिर्फ अपनी सैन्य ताकत के आधार पे नहीं है, वो तो उसकी ताकत है ही, वो सुरक्षा परिषद का सदस्य है, उसके पास परमाणु हथियार है, पर ऐसा भी नहीं है कि उसके पास इतने हथियार हैं जितने कि अमेरिका और रूस के पास है। अमेरिका और रूस के पास तो इस समय 2500 से 3000 परमाणु हथियार हैं, चीन के पास शायद 500 के करीब होंगे, भारत के पास करीब 100 हैं। तो इस उस तरह से देखा जाए तो चीन कोई बहुत सैन्य रूप से कोई खतरा नहीं है अमेरिका के लिए, न तो रूस के लिए है। हालांकि रूस के साथ तो उसके रिश्ते अब बहुत सुधर गए हैं, तो लेकिन आर्थिक ताकत के रूप में वो ऐसा खड़ा हो गया है कि उसका अब एक साम्राज्य बनने लगा है। मतलब जिस तरह से पहले इंग्लैंड और यूरोप के देशों के साम्राज्य हुआ करते थे, उस तरह से चीन के साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। और इसलिए ये बात सही है कि चीन की जो ये आर्थिक विस्तारीकरण की नीति है ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जैसे कश्मीर पे जो कब्जा है पाकिस्तान का, उस हिस्से से चीन ने उस सड़क को निकाल दिया है जो पाकिस्तान जाती है बिना भारत की सहमति के। तो ये बात तो राहुल गांधी की सही है, और ये भी सही है कि वो अमेरिका को न्योता दे रहे हैं भारत के साथ अपने रिश्ता और मजबूत करने के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि इस समय जो सरकार भारत में है वो भारत के लिए ठीक नहीं है और अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। जी जी। तो आपको लगता है कि ये संदेश अमेरिका में जा रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि अमेरिका को ये संगीत लगेगा जो राहुल गांधी बोल रहे हैं? हाँ, मतलब देखिए सुनने में तो वो बात स्वाभाविक लगती है, लेकिन अमेरिका का अगर, बल्कि एक मीटिंग में तो एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर साहब हैं मुख्तदार खान साहब, उन्होंने तो ये बोल ही दिया कि भारत को अमेरिका के बजाय चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि और एशिया को एक ताकत के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि वो अपने जो सहयोगी मुल्क होते हैं उनका वो बहुत साथ देता नहीं है, और बल्कि धोखा भी दे देता है कई बार। और उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया और पाकिस्तान का उदाहरण दिया। तो अमेरिका के साथ मुझे लगता है ये सावधानी
बरतनी होगी, और ये इतने समझदार तो हैं कि वो भी इस बात को समझते हैं कि अमेरिका हमें दो वजहों से हमारे साथ इस समय वर्तमान दौर में दोस्ती चाह रहा है। एक तो वो चीन को रोकना चाहता है, चीन की बढ़ती हुई ताकत को, और उसको दिखाई पड़ रहा है कि भारत एक ऐसी बड़ी ताकत है उस क्षेत्र में जो उसकी मदद कर सकती है। और दूसरा जो भारत का बड़ा बाजार है, मतलब हमारे देश ने जब से आप देखिए आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई है, निजीकरण वैश्वीकरण उदारीकरण की, तब से हमारा रूस के बजाय पश्चिमी देशों से हमारे संबंध ज़्यादा मजबूत होने लगे हैं, सुधर गए हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास एक बड़ा बाजार है जो हमने उनके लिए खोल दिया है। और इस बात को तो प्रेसिडेंट बाइडन ने सीधे सीधे कह ही दिया कि जो एयर इंडिया हमसे 220 जहाज खरीद रहा है, उसकी वजह से अमेरिका में लाखों लोगों को, 44 राज्यों में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो ये आर्थिक उदारीकरण का ये एक दूसरा पक्ष है जी, कि वो हम सामान खरीदते हैं और रोजगार वहां पैदा करते हैं। इसका जवाब मेरे ख्याल से राहुल गांधी का जो प्रोडक्शन मॉडल है वो है, कुछ अभी वो बहुत ही नेसेंट स्टेजेस में है, वो सरकार में जब आएंगे तो देखेंगे कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रोफेसर संदीप, कि आपने अमेरिका में पढ़ाई की है और वहाँ से पीएचडी किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद काफ़ी आपका आना जाना अमेरिका में किसी न किसी कार्यक्रमों में रहता है, और अभी भी आप अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन के इनविटेशन पे वहाँ पे हैं, तो आपका काफ़ी मतलब आमना सामना है डायस्पोरा से, जो भारतीय मूल के लोग हैं अमेरिका में। उसमें बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। बदलाव ये हुआ कि पहले वहाँ पे बीजेपी नहीं थी बिल्कुल भी, वो कांग्रेस, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के समय से वो डायस्पोरा बनना शुरू हो गया था और वो कांग्रेस का वहाँ पे एकाधिकार था। उसके बाद बड़े तेजी से लोग गए, खासकर जो आईटी सेक्टर के लोग गए, और बीजेपी का वहाँ पे थोड़ा सा बनने लगा, और मोदी साहब का वीज़ा भी कैंसिल हुआ। डायस्पोरा इतना ताकतवर था वहाँ पे कि मोदी साहब का वीज़ा भी कैंसिल करवा दिया। एक्टिविस्ट वहाँ पे अमेरिकन जो इंडियन मूल के हैं, भारतीय मूल के, फिर उसमें एक तब्दीली और देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में वहाँ पे अब अम्बेडकराइट्स भी हैं, अब वहाँ पे इक्वलिटी लैब भी है, अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दबाव डाल के नियम बनवा दिया गया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जातिगत भेदभाव, रंग भेद के तौर पर देखा जाएगा। तो एक डायस्पोरा, सेकुलर प्रोग्रेसिव, अम्बेडकराइट मुस्लिम्स का है, और दूसरा मोदी जी का है, जो जो अभी हम देखेंगे अगले दो हफ्ते बाद जब वो जाएंगे। तो ये इसमें किसका पलड़ा भारी है, क्या है ये डायनेमिक्स, क्या है वहां की, जरा समझाइए। जी, ये बात सही है आपकी कि इसका उभार हाल के वर्षों में हुआ है। 30 साल पहले मैं जब छात्र था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के कैंपस पे, तो हमने एक संस्था बनाई थी आशा नाम की, आज वो आशा फॉर एजुकेशन के नाम से है। और हम लोगों ने यहाँ पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था कि भारत में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उसी साल एक किताब आई थी, द चाइल्ड इन द स्टेट इन इंडिया, ये MIT के प्रोफेसर साहब थे माइरन वाइनर, और उन्होंने ये बताया था कि भारत में आधे बच्चे प्राइमरी स्कूल तक की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके पहले ही बाहर हो जाते हैं, और उसमें से भी आधे इसलिए नहीं पढ़ते हैं, वो तो कभी स्कूल जाते ही नहीं क्योंकि वो बाल दास्ता के शिकार हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम कुछ पैसा इकट्ठा करके ऐसे बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था करेंगे, ताकि उन्हें भी इस तरह के मौके मिले जैसे हम लोगों को मिले, कि भारत में शिक्षा प्राप्त करके फिर हम अमेरिका में भी आए और यहाँ हमें शिक्षा मिली, और ज़्यादातर लोग तो यहाँ बस भी जाते हैं। बहुत जल्दी ही जब मैं 10 साल बाद उसके गया, जब आशा के 10 साल पूरे हुए, तो हम लोगों का कुछ विरोध होना शुरू हो गया था। और मैं इस बात को तभी समझ गया था कि
और हमें बदनाम भी करना शुरू किया गया, क्योंकि मैंने 1999 में परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए एक पदयात्रा निकाली थी पोखरण से सारनाथ, तो ये कहा जाने लगा कि ये एंटी नेशनल लोग हैं। और आरएसएस को पीड़ा ये हो रही थी कि जो पैसा उसकी संस्थाओं को मिल सकता था वो पैसा लोग आशा फॉर एजुकेशन को दे रहे थे, एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, ये दो बड़ी संस्थाएं बन गई थी, मतलब हमारे 30-40 चैप्टर हो गए थे पूरे अमरीका में। तो उनको ये पीड़ा हो रही थी कि ये सारा पैसा जो आरएसएस को मिल सकता था वो इन लोगों को क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही घोषित कर दिया था कि हम सेक्युलर संस्थाएं हैं और सिर्फ सेक्युलर तरीके से काम करने वाले लोगों को ही हम मदद करेंगे। तो बल्कि 2005 में जब मैं अमेरिका एक बार आया एक यात्रा पे, तो मेरे खिलाफ शिकायत कर दी गई कि भारत से एक नक्सलवादी और आतंकवादी आ रहा है, और मेरी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे 2 घंटे पूछताछ हुई। और जब होमलैंड सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं जब वो निश्चिंत हो गए कि मुझसे उनको कोई खतरा नहीं है, तब मुझे अमेरिका में अंदर प्रवेश करने का मौका मिला। तो इस बात से ये बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन अब इनकी ताकत बढ़ गई है। अब तो इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के जो सांसद हैं उनके ऊपर वो दबाव बनाते हैं कि आप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आप भारतीय जनता पार्टी को आप समर्थन दीजिए। और अभी आपने सुना होगा पिछले स्वतंत्रता दिवस पे न्यू जर्सी में एक परेड निकली जिसमें बकायदा बुलडोजर और बुलडोजर पे योगी और मोदी की फोटो लगी हुई थी। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में जी तस्वीर के साथ वो छपा। जी जी मैनहट्टन में वो निकली परेड। जी जी लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका विरोध यहाँ पे हुआ, और विरोध करने वालों में सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही नहीं बल्कि ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी संस्था के लोग भी शामिल हुए। और फिर यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, जो यहाँ के सांसद हैं, और जो संस्था, जो भारतीय संस्था जिसने वो परेड निकाली थी, सभी को ये कहना पड़ा कि नहीं, ये जो हुआ वो गलत हुआ, सभी ने खेद प्रकट किया। तो मोदी की इतनी ताकत, बीजेपी और आरएसएस की इतनी ताकत, और उनके समर्थकों की इतनी ताकत यहाँ पे है कि वो यहाँ की राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा आपने कहा, उसी के साथ एक दूसरा वर्ग भी है भारतीयों का, वो दलित हैं, मुसलमान हैं, और उसमें मजे की बात आपको बता दूं कि एक हिंदू संगठन भी है जिसका नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। और वो सुनीता विश्वनाथ जी और राजू राजगोपाल जी, ये सब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और बल्कि राहुल गांधी की एक सभा का संचालन उनकी एक कार्यकर्ती हैं रिया चक्रवर्ती, उन्होंने किया। तो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ये कह रही है कि ये जो हिंदुत्व है ये हिंदू धर्म नहीं है, ये तो हिंदू धर्म का विकृत रूप है, ये तो हिंदू धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल है, और ये हिंदुत्व के नाम पे जो भी नफरत की राजनीति और हिंसा हो रही है ये इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और हिंदू धर्म तो बहुत सहिष्णु है। और आप देखिए इसका नतीजा ये है कि वो यहाँ जो मुसलमानों के संगठन है, दलितों के संगठन है, सबके साथ मिलके काम करते हैं। और सबसे मजेदार आप बात बताऊं आपको कि जो आपने कैलिफोर्निया का जिक्र किया, तो वो कैलिफोर्निया का विश्वविद्यालय नहीं था, कैलिफोर्निया की सेनेट, यहाँ की कैलिफोर्निया राज्य, और कैलिफोर्निया यहाँ का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य की सेनेट में वो प्रस्ताव पारित हुआ है। और वो कोई भारतीय विधायक ने नहीं किया, मतलब हमारी भाषा में तो उनको विधायक ही कहेंगे, वो एक अफगान पृष्ठभूमि की विधायिका है, आयशा वहाब, और उसने जब इसकी बात की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, तो भारत का नाम नहीं लिया, हिंदू धर्म का जरूर नाम लिया उसने। और जिन संस्थाओं का उसने जिक्र किया जिन जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि जातिगत आधार पे जो भेदभाव होता है इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, उसमें उन्होंने हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स का भी नाम दिया। तो ये आवाजें मुखर हुई हैं। सिएटल में पहले यह प्रस्ताव पारित हुआ और अब कैलिफोर्निया राज्य की सेनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो हालांकि संख्या में ये प्रगतिशील लोग कम हैं, लेकिन इनकी आवाजें बुलंद हैं, और वो इसलिए है क्योंकि ये नैतिक रूप से सही है। और जो दूसरा पक्ष है जो बुलडोजर की परेड निकालता है,
वो नैतिक रूप से खोखला है, उसके पास लेकिन पैसा है और जी, पैसे जी. की ताकत तो बहुत बोलती है। आप देखिए किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह जी सांसद बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने का नाम नहीं ले रही है, और बेचारी महिला जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो परेशान हैं, वो अपने मेडल गंगा में बहाने की बात कर रही हैं। 2 तारीख के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे इंटरनेशनल एडिशन में जी जी बड़ी सी हेडलाइन के साथ जी. और तस्वीर के साथ पहलवानों की जी जी एक ओपिनियन पीस छपा है जी जी तो बहुत, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रतिरोध जो है वो खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको उसको देख के तो ये लगता है कि कुछ दिन पहले जो ईरान में हो रहा था, जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं और जिस तरह से ईरान की सरकार उनके आंदोलन का दमन कर रही थी, तो ईरान और भारत में तो अब कोई फर्क ही नजर नहीं आता जी। और ये वही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने एमजे अकबर को, जब एमजे अकबर के ऊपर आरोप लगे इस तरह के, तो तुरंत उनका इस्तीफा ले लिया गया, वो मंत्री थे इस सरकार में। तो सोचिए, हाँ मतलब आप, यही सरकार अपने एक मंत्री को हटा देती है जब उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, और एक दूसरा आदमी है जो जो माफिया है, जो खुद कहता है कि मैंने मर्डर किया है, और वो इनकी सरकार में उसको छूने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। संदीप जी, अब अगले साल मतलब चुनाव की समझिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है जी 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 और मोदी साहब भी अमेरिका जा रहे हैं, वो भी प्रचार करेंगे जी, ज्वाइंट सेशन उनको न्योता दिया जा रहा है बोलने का, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और वो ऐसा कोई वहां पे मौका नहीं देंगे कि सवाल जवाब हो। और तो क्या आपको लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं? नहीं, बिल्कुल बचते हैं, तो क्योंकि उसका बैगेज है क्या, 2002 का बैगेज है बहुत बड़ा, क्योंकि सवाल आ जाते हैं कई बार। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने उसको और जख्म को हरा कर दिया। जी जी जी, और उसको कोई कैसे भूल सकता है, मतलब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मोदी जी को यहाँ 9 साल तक आने नहीं दिया, ये तो हकीकत है ही है। और मेरे ख्याल से जब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जो मेरी समझ है, तो वो प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं इसलिए बचे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री बनने से आपका अपराध कोई कम तो हो नहीं जाता। तो यहाँ पे इन सब चीजों को लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बस इस पे अमेरिका सरकार कोई भूमिका नहीं ले सकती, क्योंकि उसे भारत की अभी जरूरत है, चीन का मुकाबला करने के लिए उसे भारत का बाजार चाहिए। और वो संदीप, प्रोफेसर संदीप, वो मसला क्या है कि भारत एक क्षेत्रीय महाशक्ति है जी 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 और एक बहुत स्ट्रेटेजिक कंट्री है, हमारी आर्थिक स्थिति भी कोई इतनी कमजोर नहीं है जी, हमारे जी. पास बड़ा वर्कफोर्स है, बड़ा बाजार है, तो इसलिए अमेरिका को, पश्चिम को हमारी जरूरत है जी, तो जी. भारत का प्रधानमंत्री जो भी होगा उसका तो रुतबा हो गई जी, जी जी जी, उससे कोई बिगाड़ नहीं ले पाएगा। नहीं नहीं सही बात, तो एक बात मैं अब तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आता हूँ कि अब जैसे मैं कह रहा था कि चुनाव का समझिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 1 साल से भी कम समय है कि नया प्रधानमंत्री भारत में होगा जी, या यही होंगे या नया होगा। तो अब इसको हम देखें कि राहुल गांधी का जो अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक की जीत के बाद, आपको लग रहा है क्या कि उत्तर भारत में कोई असर होगा, एक बात। दूसरा चीज इसी में जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि कर्नाटक की हार को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक एकमात्र एक फुट होल्ड था बीजेपी का दक्षिण भारत, और बीजेपी को लोग कहते हैं कि बड़ी समझदार पार्टी है, बड़े चाणक्य हैं वहां पे, आरएसएस कोई 20-25 साल आगे का सोचता है, लेकिन 9 साल हो गए मोदी साहब को प्रधानमंत्री बने हुए, दक्षिण में नहीं जा पाए ये तो, और आप उत्तर भारत में ही हैं, और आपको याद दिला दें, आप तो हम लोग लगभग एक ही उम्र के हैं, कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद बुरी तरह हारी, रायबरेली से अपना भी चुनाव हार गई, तब भी 100 से ऊपर सीटें उनको दक्षिण भारत से आ गई थी जी जी, तो एक सेफ्टी वॉल था। तो अगर उत्तर भारत में कोई भी सामाजिक ताना बाना बिगड़ा
और बीजेपी का कुछ मामला बिगड़ा तो दक्षिण में तो ये गए नहीं और एकमात्र वो उखड़ गया। आप की क्या इस पे दृष्टिकोण है? देखिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे विपक्षी दलों के लोगों को ये लगने लगा है, खास करके जब से ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगे हैं और लोग जेल जाने लगे हैं, पूछताछ शुरू हो गई है, तो अब लोगों को लगने लगा है कि अगर इस पार्टी को नहीं हराया गया अगले चुनाव में तो भारत में लोकतंत्र एकदम ख़त्म हो जाएगा और जो रही सही गुंजाइश भी है थोड़े प्रतिरोध की वो एकदम ख़त्म हो जाएगी और दिन प्रतिदिन वो धारणा मजबूत होती जा रही है। ये महिला कुश्ती पहलवान जो है इनके प्रदर्शन से तो अब ये बहुत साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी लोकतांत्रिक मूल्य या मानवीय मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ सत्ता से मतलब है और सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टेनी जैसे अपराधियों का भी समर्थन कर सकती है। तो जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं, जैसा सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, जैसे और कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार रहेगा तब तो कुछ उम्मीद बनती है, क्योंकि आप देखें पिछले लोकसभा चुनाव में इनको 39% मत मिले थे। हमारे मित्र सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमजी देवसहायम जी कहते हैं कि 39% तो जो मतदान हुआ था उसका था, जो पंजीकृत मतदाता हैं उनका तो सिर्फ 25% मत ही इनको मिला था। तो यानी बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। जी जी, ये एमजी देवसहायम का पूरा एक लेख है कि पोल्ड वोट्स का 39% था, रजिस्टर्ड वोट का तो वो 25% ही है। तो अगर जो मतदाता इनके अभी इनको वोट नहीं दे रहे हैं वो सब मिलके एक जगह अगर वो वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। ये अभी तक जीतते ऐसे रहे हैं कि ये विपक्ष के मत को बांट देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप सोचिए देवबंद जैसी सीट पे जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार तो जाहिर है कि मुस्लिम होगा और बहुजन समाज पार्टी भी जब अपना मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर देती है तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू उम्मीदवार जीत जाता है। तो इस तरह से ये तो एक उदाहरण है, इस तरह से इन्होंने चुनाव जीते हैं। जहां ये चुनाव जीतते नहीं है वहां पैसे की ताकत पे चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको लेके एमजी देवसहायम जी पूरा एक अभियान चला रहे हैं अपने साथियों के साथ मिलके, जिसमें कई रिटायर्ड नौकरशाह, जज और प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हैं, पत्रकार भी हैं, पैमेला फिलोपोस भी आप जानते हैं उसका हिस्सा है। तो ये सब लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होना चाहिए और मेरी समझ ऐसी है कि सिर्फ ईवीएम से नहीं हेरा फेरी होती है, ईवीएम के साथ आपको एक अपना समर्थक अधिकारी भी चाहिए। जी जी, तो जो चुनाव अधिकारी है, जो निर्वाचन अधिकारी है जो वहां पे, तो और मैंने ये उत्तर प्रदेश में देखा है, मतलब मैं आपके चैनल पे खुल के तो उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने अपनी वर्दी में अपने दफ्तर में मुझसे कहा कि आप जब भी कोई आंदोलन किया कीजिए तो हम लोग से बात कर लिया कीजिए, क्योंकि हम तो बड़ा डर गए थे कि कहीं आपका गाय वाला आंदोलन जो है इसका चुनाव पे प्रतिकूल परिणाम न पड़ जाए। अब आप सोचिए कि एक एक पुलिस अधिकारी वर्दी में मुझसे कह रहा है कि आपके गाय वाले आंदोलन, क्योंकि हमारा आंदोलन यह था कि हम गाय को लेकर निकलते थे गाँव से उत्तर प्रदेश के अगल मतलब लखनऊ के जो अगल बगल के जिले हैं, और गांव वालों के साथ निकलते थे और हम कहते थे कि अब हम इनको योगी के दरवाजे बांधेंगे। तो फिर पुलिस आती है, आमना सामना होता है, कभी हम थाने पे बैठाए जाते हैं, कभी वो जानवर गाड़ी में लाद के ले जाए जाते हैं। तो वो मुझसे कह रहा था कि आप जो है
आपके आंदोलन से तो चुनाव पे प्रतिकूल परिणाम पड़ सकता था, लेकिन सौभाग्य से सरकार फिर से बन गई। और मैं सोच रहा था कि ये अधिकारी, इसको ये समझ भी नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहा है। और मैं ये भी सोच रहा था कि आज वो ऐसी बात कर रहा है मुझसे चुनाव होने के बाद, तो ये चुनाव वाले दिन क्या कर रहा होगा। तो मतदान में इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के हैं, ज्यादातर उसमें सवर्ण ही हैं, क्योंकि नौकरशाही में सवर्णों का वर्चस्व है, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं चुनाव जीतने में। कर्नाटक में इस बार अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं की, वो तटस्थ रहे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत मतलब ज्यादा मत नहीं है कि वो उसके उम्मीदवार जीत सकें। तो कर्नाटक से संदीप भाई दो बातें और निकल के आई हैं। एक तो कि नरेंद्र मोदी का पर्सनल मैजिक नहीं चल पाता है अगर मुद्दे स्ट्रांग है तो, जी जी जी, और दूसरा ये कि बीजेपी को निर्णायक तौर पर हराया जा सकता है। जी सही बात, जो बहुत स्पष्ट बातें आई हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है, हम लोग को तो आश्चर्य होता है कि किस तरह से कर्नाटक में इन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं, लेकिन केरल में, तमिलनाडु में, ये अभी आने वाले कई पीढ़ियों तक इनकी इनकी जड़ें नहीं जम सकती, क्योंकि वहां की पूरी संस्कृति अलग है। और आप देखें तेलंगाना और आंध्रा में भी दूसरे दलों की सरकारें हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान वाली, वो दक्षिण भारत के लोगों को अपील नहीं करती है, और उन्हें खतरा भी महसूस होता है कि कहीं ये जो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान वाली बात करने वाले हैं, ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में चेहरा हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरे राज्यों में हो सकते हैं उत्तर भारत के, लेकिन दक्षिण भारत में तो नहीं हो सकते, ये इनकी समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि लोग थोड़ा तंग भी आ गए थे, क्योंकि अभी उत्तर भारत में तो वो स्थिति नहीं बनी है, लेकिन एक दिन ज़रूर बनेगी, कि हिजाब पे प्रतिबंध लगाना, मतलब हिजाब पे हाँ प्रतिबंध लगाना, और आपका ये जो टीपू सुल्तान के बारे में जो इन्होंने झूठ प्रचारित करना शुरू किया कर दिया, जिसको वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वहां के लोगों को ही वो बात मंजूर नहीं थी, झूठी कहानी आई है और झूठी झूठ पकड़ गया। हाँ, तो इस तरह की बातें, इस तरह की बातों से लोग थोड़ा तंग भी आ गए थे, और भ्रष्टाचार तो मुद्दा था ही चुनाव में। तो आपकी बात लेकिन बिल्कुल सही है कि अगर ठीक से रणनीति बनाई जाए और सही मुद्दे उठाए जाए, और कांग्रेस की तारीफ इसके लिए जरूर करनी पड़ेगी कि उन्होंने बिना हिला हवाली करते हुए ये साफ साफ कहा कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगेगा, और हमें लगता है उसका फायदा उनको मिला है। जी एक जो बात आप कह रहे थे दक्षिण भारत की कि वहां बीजेपी नहीं जा पाई या आगे भी नहीं जा पाएगी, मेरा उसमें दृष्टिकोण ये है कि जहां जहां सामाजिक 20वीं शताब्दी में जी जी समाज सुधार के आंदोलन हुए हैं, जहां जहां पेरियार हुए, नारायण गुरु हुए, ज्योतिबा फुले हुए, अम्बेडकर हुए, वहां वहां आरएसएस अपनी जड़ें नहीं पहुंच जमा पाई। जहां 20वीं शताब्दी में आंदोलन नहीं हुए समाज सुधार के, वहां पे आरएसएस आ गई, क्योंकि वहां सामंती समाज की जड़ें मजबूत थी। खैर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि काफी समय आपका मैंने ले लिया है। नहीं नहीं, कि आपने शुरुआत में कहा कि मोदी साहब जाएंगे, तो ये इसका आधार क्या है? जाएंगे मतलब चुनाव हारेंगे? जी जी जी, नहीं, इसका आधार मैं यही कह देख पा रहा हूं जो, कि विपक्ष के सारे नेता अब ये बात समझ गए हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी है। अभी से करीब 6 महीने पहले तक ये सारे दल एक मंच पे आने को तैयार नहीं थे। मतलब ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव, ये कुछ अलग सुर में बात कर रहे थे,
मतलब और आम आदमी पार्टी भी, ये भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार की एक केंद्रीय भूमिका में ममता बनर्जी भी बात कर रही हैं, कांग्रेस भी बात कर रही है, केसीआर तो खुद बिहार आए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा दिखाई पड़ने लगा है। और राहुल गांधी ने कल ये कहा कि नहीं, हमारी जो विपक्षी दलों से बातचीत चल रही है वो बड़ी एडवांस स्टेजेस में है, यानी कि लगभग गठबंधन बन गया है विपक्षी दलों का। अब बस मसला ये होगा कि जब जहां पे कांग्रेस की सीधी लड़ाई है भाजपा से वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां पे अब दिक्कत आएगी सीटों के बंटवारे में। तो अच्छा, उसमें कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा है इन क्षेत्रीय दलों से। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही चाहेंगे कि उनका आधार बढ़े, या बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस दोनों ही चाहेंगे कि उनका आधार बढ़े। तो वहां पे मुझे लगता है कि कम से कम आने वाले चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा बड़ा दिल दिखा के, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं और सत्ता में हैं या सत्ता में आ सकते हैं, मुझे लगता है कि उनको न सिर्फ आगे रखना चाहिए बल्कि उनको ज्यादा सीटें भी देनी चाहिए, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हरा सकें। वो ज्यादा ताकतवर हैं, वो ज्यादा आसानी से हरा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, तो सिवाय सोनिया गांधी की सीट को छोड़ के, और शायद अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी खड़े हो जाए, या अगर एक अप्रत्याशित घटना हो जाए और वरुण गांधी और मेनका गांधी भी कांग्रेस में आ जाए, क्योंकि फिलहाल ये तो दिख रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव नहीं लड़ाएगी। जिस तरह से वरुण गांधी ने लेख लिखे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, किसान आंदोलन का समर्थन किया है और जो अग्निवीर योजना थी उसकी आलोचना की थी, तो ये जो सीटें हैं जहां गांधी परिवार के लोग खड़े होंगे, इनको छोड़ के शायद ही कोई सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश की जहां समाजवादी पार्टी के वोट कांग्रेस से ज्यादा ना हो। जी, तो समाजवादी पार्टी ही बेहतर स्थिति में होगी चुनाव जीतने के किसी भी सीट से उत्तर प्रदेश की। तो वहां पे कांग्रेस को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, बंगाल में ममता बनर्जी को खुला मैदान देना चाहिए कि वो बीजेपी को अच्छी तरह से हराएं, तेलंगाना में केसीआर को, जगन तो पता नहीं अभी इस गठबंधन में आएंगे कि नहीं, लेकिन केसीआर तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनका अच्छा रिश्ता है। हाँ, लेकिन उनका कांग्रेस से तेलंगाना में होगा जी, आमना सामना। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा जी जी हूँ। तो वहां पे कांग्रेस को बड़ा दिल दिखा के कुछ सीटों को छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, उसमें देखिए, एक 191 सीटें हैं देश में, जी जहाँ जी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, जी 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 और 200 से 250 के आसपास सीटें हैं जहाँ पे जी कांग्रेस नंबर वन या नंबर टू रही है। हम्म, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस उतने पे कंसंट्रेट करेगी कि इसको कैसे मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी वहां पे बढ़ाएं अपनी। जी और जी जो जो आप बात कह रहे हैं कि बड़ा दिल देना चाहिए और क्षेत्रीय हम्म, दलों को, तो मेरे ख्याल से वो संभव होगा। कांग्रेस और ये क्षेत्रीय दल कोई ना कोई फॉर्मूला निकालेंगे। और एक जी बात और जो आपने कही कि एक सुरजीत, हर हम्म, किस्म सुरजीत थे, कॉमरेड सुरजीत, वो जी विपक्षी दलों को एक करते थे। जी वो काम अब जो है वो ईडी सीबीआई कर सही बात है, रही जी। है। तो संदीप साहब, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया वाशिंगटन से। और जब भी आप आएंगे हिंदुस्तान वापस, तो आपसे मुलाकात भी होगी और तमाम बातें आपके साथ होगी, जी होती रही हमारी आपकी जी बातें। बिल्कुल 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 और आपके कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं, और समय देने के लिए एक बार और बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर संदीप पांडे हमारे साथ वॉशिंगटन से, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, भारत अमेरिका संबंध, लोकतंत्र और चुनाव में क्या होगा, इस पे अपना दृष्टिकोण, अपने अनुभव बताते हुए। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले सप्ताह फिर किसी अजीम शख्सियत के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।
जी धन्यवाद, धन्यवाद बुलाने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।